दोस्तों फाइनली आईपीएल 2020 के लीग स्टेज का सबसे इम्पोर्टेंट मैच यानी कि आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच खत्म हो चुका है और इस मैच के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2020 में आज का लेटेस्ट पॉइंट टेबल बताएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टीम इस मैच को हार चुकी है क्या वो टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं, और इसके साथ ही उन चार टीमों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली है और साथ ही साथ पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ऑल ओवर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2020 में इस साल चैंपियन बन जाए तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के ठीक नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल 2020 के मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टोनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें, उनका सभी डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईपीएल 2020 में आज के लेटेस्ट पॉइंट टेबल के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं आठवें पोजिशन के बारे में। तो यहाँ पर आ चुकी है स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली यानी कि राजस्थान की टीम, और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल 2020 में टोटल 14 मैच खेल चुके हैं जिसमें 6 बार राजस्थान की टीम जीतने में सफल रही है, वही 8 बार आरआर की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 14 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में सबसे निचले पायदान पर मौजूद है और यह टीम आईपीएल खत्म होने तक भी पॉइंट टेबल में सबसे निचले पायदान पर रहने वाली है। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट 0.569 है। उसके बाद बात कर लेते हैं सातवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है एमएस धोनी की कप्तानी वाली यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और चेन्नई की टीम ने आईपीएल 2020 में टोटल 14 मैच खेले हैं जिसमें 6 बार सीएसके की टीम जीतने में सफल रही है, वही 8 बार चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 14 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में सातवें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट -0.455 है, और चेन्नई की टीम भी आईपीएल 2020 के प्लेऑफ की दौड़ से पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर चुकी है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं छठवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है केएल राहुल की कप्तानी वाली यानी कि किंग्स 11 पंजाब की टीम, और पंजाब की टीम ने आईपीएल 2020 में टोटल 14 मैच खेले हैं जिसमें 6 बार पंजाब की टीम जीतने में सफल रही है, वही 8 बार केएल राहुल की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 14 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ किंग्स 11 पंजाब की टीम आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में छठवें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट -0.162 है, और पंजाब की टीम भी आईपीएल 2020 के प्लेऑफ की दौड़ से पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर चुकी है यानी कि पंजाब की टीम अब आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में नहीं जा सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं पांचवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुके हैं डेविड वार्नर की कप्तानी वाली यानी कि सनराइजर हैदराबाद की टीम, और हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2020 में टोटल 13 मैच खेले हैं जिसमें 6 बार हैदराबाद की टीम जीतने में सफल रही है, वही 7 बार हैदराबाद की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 13 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ एसआरएच की टीम आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में पांचवें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो यहां पर पूरे हैदराबाद के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस टीम का नेट रन रेट +0.555 है जो कि पूरे पॉइंट टेबल में सबसे सेकंड बेस्ट नेट रन रेट है, और हैदराबाद की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। इसके लिए हैदराबाद की टीम को मुंबई को हराना पड़ेगा, और जैसे ही मुंबई की टीम को हरा देती है तब आसानी से एसआरएच की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। तो आपको क्या लगता है क्या हैदराबाद मुंबई को हरा पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां पर अभी तक आईपीएल 2020
में केकेआर की टीम ने टोटल 14 मैच खेले हैं, जिसमें 7 बार कोलकाता की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 7 बार कोलकाता नाइट राइडर्स को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 14 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ कोलकाता की टीम पॉइंट टेबल में 4th पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के मौजूदा नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट -0.214 है। और केकेआर की टीम को आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए हैदराबाद वर्सेस मुंबई के मैच पर नजर डालना पड़ेगा। और अगर उस मैच में मुंबई की टीम जीतने में सफल रहती है तब डायरेक्टली कोलकाता की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। और अगर वहां पर हैदराबाद की टीम मैच जीत जाती है तो केकेआर की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ की दौड़ से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या लक कोलकाता का साथ देगा और क्या कोलकाता की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर दें। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आज दिल्ली के हाथों हारने के बाद आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर आ चुकी है, जहां पर अभी तक आईपीएल 2020 में आरसीबी की टीम ने टोटल 14 मैच खेले हैं, जिसमें 7 बार बेंगलोर की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 7 बार बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 14 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ विराट कोहली की कप्तानी वाली यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर मौजूद है। और यहां पर से आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में पूरी तरीके से क्वालिफाई कर चुकी है। तो आरसीबी के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में पूरी तरीके से क्वालिफाई कर चुकी है। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में। तो आज आरसीबी को हराने के बाद दिल्ली की टीम पॉइंट टेबल में दूसरे पोजीशन पर आ चुकी है, जहां पर अभी तक आईपीएल 2020 में दिल्ली की टीम ने टोटल 14 मैच खेले हैं, जिसमें 8 बार डीसी की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 6 बार दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 14 में से 8 मैच जीत करके 16 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन पर मौजूद है। और दिल्ली की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में पूरी तरीके से क्वालिफाई कर चुकी है और दिल्ली की टीम पॉइंट टेबल में टॉप 2 में फिनिश करने वाली है, यानी कि इस टीम को क्वार्टर फाइनल यानी कि प्लेऑफ्स में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि इस टीम को फाइनल में जाने के लिए टोटल 2 मौका मिलेगा। तो यहां पर दिल्ली के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि दिल्ली की टीम पॉइंट टेबल के टॉप 2 में फिनिश करने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं पहले पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है रोहित शर्मा की कप्तानी वाली और इसके साथ ही 4 बार की चैंपियन यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम। और मुंबई की टीम ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 13 मैच में खेले हैं, जिसमें 9 बार मुंबई की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 4 बार एमआई को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 13 में से 9 मैच जीत करके 18 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में फर्स्ट पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट +1.296 है। और मुंबई आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में पूरी तरीके से क्वालिफाई कर चुकी है और मुंबई की टीम प्लेऑफ में अपना आखिरी मैच यानी कि लीग स्टेज में अपना आखिरी मैच हैदराबाद के साथ खेलने वाली है। और अगर उस मैच में मुंबई की टीम जीत जाती है या हार भी जाती है, फिर भी मुंबई की टीम आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाली है और मुंबई को फाइनल खेलने के लिए टोटल 2 मौके मिलने वाले हैं। तो फाइनली मुंबई दिल्ली आरसीबी आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में पूरी तरीके से क्वालिफाई कर चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या हैदराबाद या फिर कोलकाता में से कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि अभी तक आईपीएल 2020 में किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और इसके साथ ही किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। तो यहां पर सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं ऑरेंज कैप के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि किस बल्लेबाज ने अभी तक आईपीएल 2020 में सबसे अधिक रन बनाए हैं। तो इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर के प्लेयर हैं वह है चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर फाफ डू प्लेसिस, और प्लेसिस 13 मैचों में 449 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर यानी कि शिखर धवन, और शिखर धवन 14 मैचों में 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं और इस तरीके से वह ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल दूसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पहले पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुके हैं किंग्स इलेवन पंजाब के कैप्टन यानी कि केएल राहुल, और केएल राहुल 14 मैचों में 641 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल पहले पोजीशन पर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पर्पल कैप के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि किस गेंदबाज ने अभी तक आईपीएल 2020 के सीजन
सीजन में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। तो इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर के प्लेयर हैं वह राजस्थान रॉयल्स के स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर यानी कि जोफ्रा आर्चर। और जोफ्रा आर्चर 14 मैचों में 20 विकेट के साथ पर्पल कैप की रेस में तीसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुके हैं मुंबई इंडियंस के स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर यानी कि जसप्रीत बुमराह। और बुमराह 13 मैचों में 23 विकेट के साथ पर्पल कैप की रेस में फिलहाल दूसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पहले पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर यानी कि कैगिसो रबाडा। और रबाडा 14 मैचों में 25 विकेट के साथ फिलहाल पर्पल कैप की रेस में पहले पोजीशन पर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आईपीएल 2020 में आज का लेटेस्ट पॉइंट टेबल, इसके साथ ही पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक जरूर करें। और वीडियो के ठीक नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। और साथ ही साथ क्रिकेट प्रेडिक्शंस के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।